दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला लड़का एक दिन हमारे देश का राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि मिसाइल मैन के रूप में जाना जाएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी बोली हुई हर बात दुनिया के लिए एक सीख है। पर दोस्तों, राष्ट्रपति बनने तक का यह सफर इतना आसान नहीं रहा। मुस्लिम होने की वजह से उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने किसी भी समस्या को अपने कामयाबी के रास्ते में नहीं आने दिया और हर समस्या का सामना करते हुए अपनी काबिलियत के बल पर भारत देश के सबसे बड़े पद पर बैठे। तो चलो जानते हैं इन महान व्यक्ति के बारे में। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम शहर के तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पैसे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते, और उनकी माता आशियम्मा जैनुलाब्दीन एक हाउसवाइफ थी। वो घर में 5 भाई बहन थे। वैसे तो उनका घर छोटा था, पर परिवार बड़ा था। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसों की समस्या होती रहती थी, इसलिए घर की जमा पूंजी में अपना हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया। अखबार बेचने का केवल यही एक कारण नहीं था, दूसरा कारण यह भी था कि रोज सुबह जब भी वो अखबार को बेचने के लिए जाते तो उससे पहले वो रोज अखबार को अच्छे से पढ़ लिया करते। उन्हें बचपन से ही नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, पर नॉलेज प्राप्त करने का यह तरीका आसान नहीं था। उन्हें हमेशा से गरीब होने की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनमें से सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब वो स्कूल में पढ़ते तो कक्षा में पहली सीट पर अपने एक ब्राह्मण दोस्त के साथ बैठा करते, और एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और वो एक मुस्लिम बच्चे को एक ब्राह्मण बच्चे के साथ बैठा देखकर चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठने को कहा। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने सोच लिया था कि वो लास्ट बेंच पर बैठकर दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। दोस्तों, कलाम जी को फिजिक्स और मैथ पढ़ना बहुत ही पसंद था। दोस्तों, आपको पता है अब्दुल कलाम का सपना था कि वो फाइटर प्लेन के पायलट बने, पर एक सीट के कारण वो पायलट नहीं बन पाए। दोस्तों, अब्दुल कलाम ने भारत के लिए 1988 में पहली भारत की पृथ्वी मिसाइल और 1989 में अग्नि मिसाइल का निर्माण किया। यही कारण है कि उन्हें आज भी मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में 11वें राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों, क्या सब को पता है एपीजे अब्दुल कलाम को जितनी भी सैलरी मिलती वो सब को दान कर दिया करते और अपने पास कुछ भी नहीं रखते। दोस्तों, आपको पता है एक बार कलाम जी के भाई उनके कार्यालय में गए तो उन्होंने वहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह फील नहीं होने दिया कि वे उनके भाई हैं। वह सभी के साथ समान व्यवहार करते बिना भेदभाव के। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारे देश के मिसाइल मैन की कहानी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।